नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U News। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मेरठ में दादी से कुंडल लूटने वाले बाइक सवार बदमाशों से भिड़ने वाली रिया अग्रवाल का आज मोदीनगर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें चलें कि दिन शनिवार की शाम को मोदीनगर की कृष्णा कॉलोनी में रहने वाली रिया अग्रवाल अपनी दादी संतोष देवी के साथ मेरठ गई थी। इस बीच रास्ते में बाइक सवार दो बदमाशों ने संतोष देवी के कुंडल लूट लिए, जिसके बाद रिया ने हिम्मत दिखाते हुए इन बदमाशों से भिड़ गए और बदमाशों को बाइक से खींचकर जमीन पर गिरा दिया। काफी मशक्कत के बाद रिया ने उनसे एक कुंडल तो छीन लिया, लेकिन दूसरा कुंडल लेकर बदमाश वहां से बाइक लेकर फरार हो गए, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। रिया की बहादुरी देखते हुए लोगों ने बिटिया की जमकर प्रशंसा की। रिया की बुआ सपना अग्रवाल ने बताया कि रिया बचपन से ही बहादुर है और अपनी माँ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर की जिम्मेदारियों को पूरा करती है। रिया अग्रवाल की बहादुरी को देखते हुए SSP मेरठ रोहित सिंह सजवान जी द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर उसके बाद मोदीनगर पहुंचने पर बस स्टैंड पर व्यापारियों व समाजसेवी संस्थाओं द्वारा रिया अग्रवाल का जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ रिया अग्रवाल का काफिला चला। जैन स्वीट्स पहुंचने पर वरिष्ठ भाजपा नेता पवन सिंघल, वरिष्ठ भाजपा नेता स्वदेश जैन जी के नेतृत्व में रिया अग्रवाल का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर पवन सिंघल ने कहा कि हमें मोदीनगर की इस बेटी पर गर्व है, जिसने बदमाशों को टक्कर देते हुए जबरदस्त मुकाबला किया। स्वदेश जैन जी ने कहा कि हमारे देश की सभी बेटियों को रिया अग्रवाल से शिक्षा लेनी चाहिए कि परिस्थिति कुछ भी हो, अपनी बहादुरी का परिचय देना चाहिए। हिंदू जागरण मंच के जिला सह संयोजक पंकज कंसल ने जी ने कहा कि रिया अग्रवाल ने झांसी की रानी की तरह बदमाशों से मुकाबला किया। मुझे रिया बेटी पर गर्व है, सभी ने अपनी बात रखते हुए क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? रिया अग्रवाल। रिया जी, अच्छा जो मामला मेरठ में हुआ तो पूरा प्रकरण बताइए, क्या हुआ था पूरा मामला? शनिवार की शाम हम मोदीनगर से मेरठ के लिए जा रहे थे, वहाँ पर हम बेगमपुर मार्केट पर उतर गए थे। उसके बाद हम वहाँ से पैदल ही जा रहे थे, तो वो दोनों पहले से ही वहाँ खड़े हुए थे। उसके बाद जैसे ही वहाँ से गुजरे, उन्होंने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया, पर हमने ध्यान नहीं दिया कि वो हमारा पीछा कर रहे थे। उसके बाद जैसे हमने गली में टर्न करा, उन दोनों बाइक सवार में से एक पीछे से उतर कर आया और दोनों कानों के टॉप छीन कर भाग गया। फिर उसके बाद मैं उसके पीछे भागी तो मैंने उसका कॉलर पकड़ा और उससे बाइक पे से गिरा दिया। उसके बाद हमारी हाथापाई हुई, तो उसमें एक मैंने हाथ में ले लिया था और एक उसके हाथ में ही रह गया और वो उसे लेकर भाग गया। तो अच्छा, उसमें से कोई बंदा पकड़ा भी गया था? कितने लोग थे? दो थे। दो? कितने? उन्हें पकड़ा भी गया कोई? जी, बाद में पुलिस ने पकड़ लिया था उन्हें, जब उन्होंने कंप्लेंट कर दी थी। आपकी इस बहादुरी पर आप मोदीनगर की शहर के और क्षेत्र की सभी बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि हमें कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए, ऐसे हालातों में हमेशा डट कर सामना करना चाहिए और कभी भी भागना नहीं चाहिए। बिटिया ये भी देखो कितनी छोटी है, रिया अग्रवाल, और हमारे मोदीनगर की शान है। आज के ऐसे समय में ऐसे खूंखार बदमाशों से मुकाबला करना और उनके हाथ से कुंडल छीन लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए ही इनका सम्मान समारोह किया गया। इस सम्मान से और जो हमारे बच्चे हैं या अन्य पीढ़ी है जो डरती है, उनको भी एक संदेश मिलता है, उनको प्रेरणा मिलती है कि अगर कल को हम भी इस तरह करेंगे तो हमारा भी सम्मान होगा और एक बच्चों में निर्भयता पैदा होती है। इसलिए सम्मान है कि सबको एक संदेश देने के लिए बेसिकली समय है, और इस बच्चे का उत्सवर्धन, और हम तो चाहते हैं आगे चलकर ये हमारी बिटिया मोदीनगर के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश का नाम भी रोशन करे। बड़े गर्व की बात है कि हमारे मोदीनगर की बिटिया मेरठ, जहां पूरा एक आतंक का माहौल बना हुआ था, और वहां पर जिस वीरता से इस बिटिया ने जो साहस दिखाया है, तो वो एक बहुत सराहनीय है और हमारे लिए मोदीनगर के लिए खासकर गर्व की बात है, क्योंकि मोदीनगर की बिटिया है और हमारे ही समाज से है, तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। और ये एक प्रेरणा है जो बच्चों के साथ छेड़खानी करते हैं, उनके अंदर एक ऊर्जा भी निश्चित रूप से होगी, जगह जगह का सम्मान होगा। तो जो आने वाले बच्चे हैं, बच्चे का तो इसका सम्मान है ही, लेकिन उन बच्चों का भी पुनः प्रेरणा मिलेगी जो जिनके साथ बदतमीजी करे, उनमें एक साहस पैदा होगा। तो मेरा तो ये कि इस बेटे का भविष्य उज्जवल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, कि और हमारा तो डॉक्टर साहब का हमारा ये प्रयास रहेगा कि कमिश्नरी स्तर पर डॉक्टर साहब हम प्रयास करेंगे कमिश्नरी स्तर पर इसको सम्मान मिले। जो हमारी बेटिया ने ये कार्य किया है वो एक अद्भुत पल है, जो हमारे परिवार के लिए और आने वाले सभी बच्चियों को शिक्षा लेनी चाहिए रिया अग्रवाल से, कि वो इस तरीके से बदमाशों से ना डरें। रिया अग्रवाल ने
बदमाशों का सामना कर यह दिखा दिया है कि नारी शक्ति के रूप में दुर्गा है, काली है, तो वो रूप उसने दिखाया है। और मैं अपनी और बच्चियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, प्रेरणा लें, डरे नहीं अपने आसपास होने वाले जघन्य अपराधों से। हर जगह विधर्मी बैठे हुए हैं, उनसे सामना करने की आवश्यकता है, उसको दृढ़ता के साथ सामना करें, डरे नहीं। नितिन शर्मा, जिला संयोजक, हिंदू जागरण मंच, गाजियाबाद। नितिन जी, आज ये कार्यक्रम जो आपने यहाँ आयोजित किया है मोदी नगर में, इस गुड़िया को, वीरता को लेके क्या आप कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? जी, जैसा आज के समय में हम देख रहे हैं, जितनी उम्र हमारी बहन की है उतनी उम्र में लड़कियां टिकटॉक, फेसबुक, इन पर वीडियो बनाने में बिजी हैं। उस समय में इन्होंने जो ये झांसी गिराने वाला कार्य किया है, इतना साहस, ये समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इससे इन्होंने समाज की लड़कियों को प्रेरणा लेनी चाहिए, मार्गदर्शन मानना चाहिए अपना, कि जो अपना कोई कुछ भी करके चला जाता है बोलती नहीं है, डरना नहीं चाहिए। ये उदाहरण है कि डर के आगे जीत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल चौधरी है। चंचल जी, इस बिटिया की वीरता के बारे में आपको पता ही है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? रिया की जब मैंने वीडियो देखी मुझे बहुत खुशी हुई, और रिया ने हिम्मत का काम किया है। आजकल जो लड़कियां हैं ना, बस डर के कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन रिया की हिम्मत देख के मुझे सब लड़कियों को मतलब इतनी हिम्मत मिली है कि वो किसी को भी मतलब किसी से डरेंगी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना अग्रवाल है। जो आज बिटिया ने बहादुरी का काम करके दिखाया है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं उसमें ये संदेश देना चाहूंगी, जो काम बिटिया ने करा उससे सभी बेटियां प्रेरित होनी चाहिए, और आगे जाकर उन्हें ये सीख लेनी चाहिए कि अगर वो रिया कर सकती है तो देश की हर एक बेटी कर सकती है, और उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अपने आस पास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।